नगर निगम की अतिक्रमण शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की रकम लेते हुए अतिक्रमण शाखा में पदस्थ उमेश सोनी और ठेका कर्मी पंकज केवट को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार 1.5 फीट जमीन न छोड़ने और उस पर विभागीय कार्रवाई न किए जाने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। नगर निगम में लोकायुक्त की टीम ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत की रकम लेते हुए ठेका कर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि अतिक्रमण विभाग में पदस्थ उमेश सोनी और ठेका कर्मी पंकज केवट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन निर्माण के दौरान 1.5 फीट जमीन न छोड़ने के एवज में फरियादी दुर्गेश चौधरी से कार्रवाई न किए जाने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग ठेका कर्मी ने की थी। बहरहाल रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए ठेका कर्मी से लोकायुक्त की टीम पूछताछ कर रही है। टीम ने जाँच के बाद और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई है। मैं ऑफिस गया नगर निगम में ऑफिस करके उन्होंने बोला कि आप जितने दस्तावेज हैं वो मंगवाएं और यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो मैं वहाँ पे पूरी फ़ोटो काफ़ी लेकर गया सर के पास। सरों ने बोला कि पापा से कितने पैसे बोले थे, उन्होंने बोला 25,000 रुपये। तो फिर उन्होंने वो मैंने 5,000 रुपये की बोला, तो उन्होंने बोला नहीं 5 नहीं, इससे डबल करिए, तो 10,000 की रिश्वत मैंने उनको दी। किस चीज़ के लिए मांगी थी आपको? ये 3 फुट की जमीन थी, 1.5 फुट मैंने छोड़ दिए था और 1.5 फुट बोलते ही अतिक्रमण में टूट जाएगा आपका, तो उनके लिए रिश्वत मांग रहे हैं। कहाँ पर घर है? ये पंजाब बैंक कॉलोनी चेरीताल दमोना का रोड। आज टीम को व प्रार्थी को जब नगर निगम कार्यालय भेजा गया और जब प्रार्थी के द्वारा उमेश सोनी को पैसा दिया गया तो उसके द्वारा कहा गया कि ठेका कर्मी एक उसी के साथ जो काम करता है, ठेका कर्मी का नाम है पंकज केवट, उसको पैसे दे दे। तो प्रार्थी द्वारा जो ठेका कर्मी उसको पैसा दिया गया और उसने पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया। चूँकि रिकॉर्डिंग में उमेश सोनी की हुई थी और पैसा केवट के द्वारा लिया गया, इसलिए दोनों को केवट को सह आरोपी और मुख्य आरोपी उमेश सोनी को आज बनाया गया।